नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो अपना वीडियो है वो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो पशु परिचर भी देना चाहते हैं और सीईटी भी देना चाहते हैं। तो सीईटी तो सभी विद्यार्थियों को वैसे भी देनी है, क्योंकि सीईटी के दायरे में आजकल बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है और पता नहीं आगे कौन कौन सी वैकेंसी सीईटी के दायरे में आ जाएगी, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है तो आप सभी को देनी चाहिए। और इसकी वैलिडिटी भी अब मतलब बढ़ेगी, प्रमाण पत्र की ये भी लगभग तय है, तो नया सीईटी का विज्ञापन आ जाएगा तब ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। इसमें अपन बात करने वाले हैं कि सीईटी के साथ में पशु परिचर की तैयारी को कैसे लेकर चलें, क्या इन्हें दोनों को साथ में मैनेज किया जा सकता है या नहीं। अक्सर अपन देखते हैं कि कोई भी मार्गदर्शन हमें दे रहा है या कोई मार्गदर्शक है जो बता रहा है या गाइडेंस दे रहा है, तो वो अक्सर आपको ये कहते हैं कि दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को कहूंगा कि ये दोनों नाव जो है आप लोगों को किनारे तक पहुंचा देगी, लेकिन आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। तो इसमें मेन चीज जो देखनी होती है ना अपने को, वो यह है कि दोनों के सिलेबस के अंदर कॉमन चीज क्या है। यदि अपन इस चीज को ध्यान दे देंगे, इस चीज में अपन पता लगा लेंगे कि कॉमन क्या चीज है, तब अपन इसकी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल वो विद्यार्थी जो पूछ रहे हैं, क्या दोनों की तैयारी साथ में की जा सकती है? हाँ, दोनों की तैयारी साथ में की जा सकती है और आपको दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए और दोनों की तैयारी साथ में होगी। कैसे? उस चीज को जानते हैं बिना समय गवाए यहां से, कि देखो अपने यहाँ पे देखते हैं पशु परिचर और सीईटी में कॉमन सिलेबस क्या क्या है। अब यदि देखा जाए तो सीईटी का जो एग्जाम होगा साथियों, वो आपके सेप्टेम्बर और अक्टूबर के अंदर है। सेप्टेम्बर में आपके स्नातक स्तर का है और अक्टूबर में सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, 12th स्तर वाला है, ठीक है। और यहां पे अपन पशु परिचर का एग्जाम देखें तो वो आपके दिसंबर के अंदर है, यानी कि ये सीईटी का एग्जाम देने के बाद भी पशु परिचर के एग्जाम में कितना समय मिला? 2 महीने का बहुत बढ़िया समय मिला है, ठीक है। अब उस 2 महीने में क्या पढ़ना है और इनमें कॉमन चीज क्या है, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस एनालिसिस करके ही बता रहा हूं और आप लोगों के लिए अब सुविधा हो जाएगी। या आप कभी भी दो एग्जाम की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो कैसे करें, उसका सबसे बढ़िया तरीका है आप कॉमन चीजें दोनों सिलेबस की छांटिए। तो देखो, पशु परिचर में कॉमन सिलेबस देखेंगे तो राजस्थान जीके जो मेन है, दारोमदार पूरा का पूरा राजस्थान जीके में ही है, पार्ट ए के अंदर देखा जाए यदि जीके का देखे तो। फिर विज्ञान भी है, गणित भी है, ठीक है। तो यहां पर राजस्थान जीके देखे तो इतिहास पढ़ना है, राजस्थान का भूगोल पढ़ना है और कला संस्कृति पढ़नी है। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो कई सारे टॉपिक अर्थव्यवस्था के ऐसे आते हैं जो राजस्थान भूगोल के अंदर हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, ये सारे राजस्थान भूगोल के अंदर पढ़ने पड़ेंगे और स्पेशली देखे जाए तो ये अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे सीईटी में देखो, ये भी मुख्य यहाँ पे देखेंगे अपन तो राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जीके के अंदर स्पेशली लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति पढ़नी ही पढ़नी है, दोनों चीज में कॉमन है ये, ठीक है। इसके अलावा देखो, गणित कॉमन है, यहाँ पे भी गणित कॉमन है, मानसिक योग्यता शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन मानसिक इसका चूंकि डिटेल सिलेबस भी आ चुका है और अपन ने इसका डिटेल सिलेबस बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना वो वीडियो। तो यहाँ पे मानसिक योग्यता शब्द भी है, लेकिन मानसिक योग्यता के ज्यादा टॉपिक नहीं देखने को मिलते, ज्यादा टॉपिक जो है मैथ्स के ही है, आप खुद सिलेबस एनालिसिस कर लेना। फिर देखें विज्ञान, तो कौन सा विज्ञान है यहाँ? दैनिक विज्ञान है, ठीक है, दैनिक विज्ञान। चूंकि सीईटी का तो विस्तृत सिलेबस है और नई विज्ञप्ति आएगी तब और भी डिटेल पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे विस्तृत सिलेबस नहीं है तो सामान्य विज्ञान जो पढ़ते हैं दैनिक विज्ञान वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे दैनिक विज्ञान है, यहाँ पे भी विज्ञान है। यदि स्नातक स्तर वाले विद्यार्थी देखेंगे तो प्रौद्योगिकी अलग से उनको पढ़ना होता है स्नातक स्तर पे, बाकी 12th लेवल पे दैनिक विज्ञान है, ठीक है। फिर आगे बात राज्य व्यवस्था की, तो जब हम वन रक्षक का पेपर देखते हैं तो वन रक्षक के पेपर में 4-5 सवाल राज्य व्यवस्था के पूछे हैं जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को राजस्थान की राज्य व्यवस्था देखनी है, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव वगैरह, ये है विधानसभा और ये। तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था, यहाँ पे भी राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, यदि आप देखोगे तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था दे रखा है स्पेशली, तो ये भी कॉमन है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी वाली चीज कॉमन हो गई, ठीक है। अब ये आते हैं समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, तो पशु परिचर में स्पेशली करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो राजस्थान वाला पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिया वाला भी पढ़ना है और साथ में वर्ल्ड वाला भी पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे समसामयिकी पूरा पढ़ना है तो राजस्थान वाला तो आएगा ही आएगा। अब एक्स्ट्रा चीज क्या क्या है इसके अंदर,
अब यदि देखें ये तो चीज हुई कॉमन, अब देखो जिसको मैं बॉक्स के अंदर ले रहा हूं, ठीक है, ये ऑलरेडी बॉक्स में डाला हुआ है जो अलग है, तो यहां पे आप अलग चीज देखोगे तो यहां पे पशुपालन पार्ट बी जो है ना वो आपको अलग से पढ़ना होता है, उसका सीईटी देने में कोई फायदा नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। और यहां पे यदि आप देखोगे सीईटी के अंदर तो भारत का जीके है, जिसमें ट्वेल्थ लेवल वाले जो है उनके भारत का भूगोल है सिर्फ, ठीक है, और भारत का इतिहास जो है वो स्नातक स्तर वालों को पढ़ना है, यानी कि ये स्पेशली स्नातक वालों को ही पढ़ना है इतिहास वाली चीज, ठीक है, और भूगोल जो है वो ट्वेल्थ वालों को भी पढ़ना है। मानसिक योग्यता कम टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन दे रखा है मानसिक योग्यता सिलेबस में, और कंप्यूटर, ठीक है, ये चीज जो है ये आपको पशु परिचर में इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि ये चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे हो तो। और यहां पे पशुपालन पार्ट भी एक्स्ट्रा पढ़ना है यदि आप सीईटी दे रहे हो और आप चाहते हो इसका फायदा इसमें भी हो, तो पशुपालन पार्ट बी का नहीं होगा। अब देखो अब पहले एग्जाम कौन सा होगा, तो पहले एग्जाम होगा सीईटी का, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के अंदर एग्जाम है। तो देखो यहां पे सीईटी की आप जैसे तैयारी कर रहे हो और सीईटी के एग्जाम में आप तैयारी करोगे राजस्थान जीके पढ़ोगे, ये हो गया यहां से कवर राजस्थान जीके, ठीक है, भूगोल कला संस्कृति सारा ही हो गया। यहां पे गणित पढ़ोगे, ये गणित हो गई कवर, ठीक है, यहां पे विज्ञान पढ़ोगे, ये विज्ञान हो गई यहां से कवर, यहां पे राजव्यवस्था पढ़ोगे, ये राजव्यवस्था यहां पे हो गई कवर, और यहां पे समसामयिक की पढ़नी है, इंडिया वर्ल्ड की पढ़नी है, तो राजस्थान की भी पढ़नी पड़नी है, तो ये देखो राजस्थान की समसामयिक की कवर हो गई। यानी कि यदि आप ध्यान दोगे तो पार्ट ए जो है आपका कौन सा पार्ट ए, वो सीईटी के तैयारी के अंदर पूरा का पूरा तैयार हो रहा है, कुछ भी पीछे नहीं छूटा है सीईटी की तैयारी के अंदर, पार्ट ए पशु परिचर का पूरा आप लोगों के तैयार हो रहा है। तो मुझे बताओ यहां पे दो नाव की सवारी वाली बात हुई ही नहीं, ठीक है, दो नाव की सवारी वाली बात होती नहीं, यहां पे ये चीज करनी ही है, सेम सिलेबस है, ठीक है, ये और ये आपके पूरा कवर हो रहा है, यानी कि ये चीजें आप कवर करोगे तो ये होगा। अब रही बात की एक्स्ट्रा चीज, तो हिंदी अंग्रेजी की यहां जो ग्रामर है व्याकरण है वो सीईटी में आप लोगों को अलग तैयार करनी है, भारत का जो है भूगोल जीके वगैरह ये अलग तैयार करना है। तो अभी सितंबर और अक्टूबर के अंदर एग्जाम है, 6 महीने का कम से कम समय है, कितना है 6 महीने का कम से कम समय है, तो ये चीजें और ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से 6 महीने में कवर हो जाती है। और ये अब जो है सीईटी के अंदर अब रिवाइज होगा, पैटर्न तो देखने में आएगा कि लगभग बता रहे हैं यही संभावनाएं हैं कि न्यूनतम अंक वाला प्रावधान कर दिया जाएगा, 40%, 50%, 60% कितना करेंगे वो नहीं पता, लेकिन किया जाएगा, ये अध्यक्ष साहब ने इशारा दे दिया था, संकेत दे दिया था, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें, अब रही बात की मान लीजिए कि सर हमने इसकी तैयारी की, ये हो गई पार्ट ए तो हुआ पार्ट बी, तो पार्ट बी पशु परिचर की अब जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है ना वो पार्ट बी लगभग अभी तक तैयार कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, क्योंकि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स द्वारा पार्ट बी सब जगह तैयार करवा दिया है, यदि आप जीजीडी से भी पढ़ रहे हो ना तो पार्ट बी की सारी क्लासेस पूरी करवा दी गई है। तो पार्ट बी को रिवाइज करने के लिए आपको बीच में समय कितना मिल रहा है, सितंबर से यहां पे देखोगे सितंबर और यहां अक्टूबर में दीदी मान लो तो फिर अक्टूबर महीना पूरा मिलेगा, अक्टूबर पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि अक्टूबर के एंड में एग्जाम है, तो नवंबर और दिसंबर 2 माह पूरे पूरे मिल रहे हैं, जिसमें पार्ट ए तो पूरा है ही, साथ में रिवाइज करना है, और पार्ट बी वो भी आपका तैयार होता है, साथ में रिवाइज करना है। नए सिरे से भी कोई करना चाहे ना पार्ट बी पशु परिचर का तो 1 महीने का काम है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है पार्ट बी के अंदर, छोटे छोटे टॉपिक, तो 1 महीने का काम है उसे, तो इस तैयारी के साथ में ये तैयारी इस तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी, क्यों एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ना, पार्ट ए पूरा का पूरा तैयार हो रहा है, ठीक है, पार्ट ए तैयार हो रहा है, पार्ट बी ऑलरेडी आप या तो कर चुके हैं या करना भी चाहे रोज का 1 घंटा भी दे दिया ना आपने तो दिसंबर में एग्जाम है, बहुत अच्छी तरीके से 4-5 बार रिवीजन कर सकते हो पार्ट बी का, तो ये तैयारी हो गई साथ में। अब रही बात की सर ये पशु परिचर से अलग है, हाँ ये अलग है, इसका फायदा आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन सीईटी देना है तो इसका रोल रहेगा, आपको सीईटी में ये चीजें तैयार करनी पड़ेगी। कंप्यूटर में कोई ज्यादा टॉपिक्स होते नहीं, एक बार जिसके समझ में आ गया तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। रही बात भारत का जीके, तो भारत का भूगोल ट्वेल्थ वालों को पढ़ना है, ट्वेल्थ स्तर की दे रहे हैं, इतिहास उन्हें पढ़ना नहीं है, और स्नातक स्तर की दे रहे हैं तो ये दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्नातक स्तर है, स्तर बड़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस भी बड़ा है। अब आप दुआ ये कीजिए कि नई सीईटी की विज्ञप्ति आए
तब इसमें से कुछ सिलेबस शॉर्ट हो जाए, ठीक है, ये दुआ कीजिए, क्योंकि शॉर्ट होगा तो आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इससे सिलेक्शन तो इससे होना नहीं है, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसका अहम रोल हो गया है, क्योंकि ये आपके पास में इसकी डिग्री नहीं है, ये आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप इसके जरिए होने वाले एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो ये बहुत अहम रहने वाला है, और आप इस तरीके से दोनों चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि ये इसको टारगेट अब करना है, तो यहां पे ये जो है ऑटोमेटिक आपके टारगेट हो गया है। कितनी सिंपल सी बात है, सिर्फ अपने को सिलेबस एनालिसिस करना था। रही बात अब तैयारी की, तो आप जहां से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो भी, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जीजीडी का ये जो प्लेटफॉर्म है, आज दिन तक सारी की सारी क्लासेस जो है अपनी इसी YouTube चैनल पर रही है, अपने कभी ऐप पर क्लासेस को लेकर नहीं गए, और YouTube पर रही है, यानी कि आपको क्लासेस के लिए कोई भी पे नहीं करना है। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में से क्लासेस देखना शुरू कीजिए। रही बात सीईटी की, पूरा बैच निशुल्क है, ठीक है, पशु परिचर का जो बैच चल रहा है, प्लेलिस्ट में देखना, पशु परिचर / सीईटी लगा रखा है, उस प्लेलिस्ट को उठा के वहां से क्लासेस देखनी शुरू कर दो। इतिहास कंप्लीट करवा दिया और आपके कला संस्कृति लास्ट के दो चार टॉपिक बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे, उसके बाद में अपने भारत का भूगोल और ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है, और गणित की क्लासेस भी चल रही है, और पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो करवाई है, और पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पार्ट बी की क्लासेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, 40-41 क्लासेस हुई है और कंप्लीट पूरा सिलेबस पार्ट बी का हो चुका है, कहीं किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तैयारी आप लोगों को करनी है और इस चीज को भी जो है शेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कैसे होगी या नहीं होगी और गुमराह हो जाते हैं इस चक्कर में, तो एक सटीक जो विश्लेषण ये निकाल के दिया है मैंने आप लोगों को, वो आपको शेयर करना है अपने सभी साथियों तक कि इस तरीके से ये तैयारी करनी है अपने को, ये तो साथ में हो ही रही है, तो प्रेशर लेने की कहां आवश्यकता है, लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं, तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। और ये जो गौरव ज्ञान धारा का चैनल है ना, ये आपका खुद का चैनल है, और यहाँ पे देखो 1500 क्लासेस लगभग दे चुका हूं मैं, 555 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अपना परिवार जो है 555 के तक पहुंच चुका है, तो इसे शेयर करना, इसे आगे बढ़ाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि अपन और भी बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सके और इन क्लासेस को आगे लेकर जा सके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, सीईटी की तैयारी कैसे करनी है, क्लासेस कहां से कैसे मिलेगी, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, सीईटी की तैयारी से रिलेटेड निशुल्क क्लासेज स्ट्रेटेजी बनाकर दे रखी है, उसमें बता रखा है सब कुछ, ठीक है। और ये भी अपना ही चैनल है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, 108,000 विद्यार्थी इसमें भी जुड़े हुए हैं, इसे भी सब्सक्राइब कर देना, इस पे समय समय पर वस्तुनिष्ठ क्लासेस दी जाती है और मार्गदर्शन के कई सारे वीडियो इस पे भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, और जो विद्यार्थी अभ्यास करना चाहते हैं जीजीडी ऐप उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, यदि अभ्यास करना चाहते हैं तो क्लासेस सारी YouTube पर है, अभ्यास की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, तो आपको ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि क्लासेस एक भी ऐप पर नहीं मिलेगी, क्लासेस सारी YouTube पे। जो चाहते हैं कि हम बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके देख लेना, अंदर बहुत सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है जो बिल्कुल लागत मूल्य के अंदर हमने चला रखी है, तो उन्हें ज्वाइन करके आप अपनी प्रैक्टिस को आगे लेकर जा सकते हैं। तो अब आप लोगों का एक डाउट मैं क्लियर कर चुका हूं, तो बिल्कुल शंका संदेह जो है वो सारे बाहर निकाल के और अब दमदार तैयारी में जुट जाओ, ये 6 महीने आपके हैं, 6 महीने में सीईटी निकालनी है और उसके बाद में वैकेंसी लाइन बनाकर आएगी और आपको चूकना ही नहीं है, जज्बा और जुनून है तो वैकेंसी में एक सीट आप लोगों की है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।